हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है जो कि मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है। इसी से मैं आज मैं बना के दिखाऊंगी आपको बेबी फ्रॉक। तो आइए हम इसका देखते हैं। इस कपड़े को मैं 4 फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड कर सकते हैं, 2 फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको 2 फोल्ड करके ऊपर का जो चोली होती है वो मैं निकालूँगी। तो इसके लिए मैं इसे 2 फोल्ड करती हूँ। पहले ये 2 फोल्ड कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं अपर पार्ट का जो है ये ऊपर की जो चोली का पार्ट है उसका मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो लेंथ मुझे 11 इंचेस चाहिए, तो 11 इंचेस पे मैं मार्क कर लेती हूँ। मार्क करने के बाद इसे मैं सीजर से कट करूँगी। ये मार्क मैंने कर लिया है। अब मैं इसको स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसे सीजर से कट कर लेती हूँ। ये कट कर लिया है मैंने। अब इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस फैब्रिक को। फिर इसका हम मेजरमेंट लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर की लेंथ लेंगे। तो मैंने 5 इंचेस ली है। फिर उसके बाद आर्म होल भी मैंने 5 इंचेस लिया हुआ है। मैं बस की मार्किंग करूँगी। तो आपका चेस्ट का 4 प्लस 1 इंचेस इक्वल टू जितने भी हों आप उतने हिसाब से करें। मैंने 8 इंचेस रखे हैं तो मैं 8 इंचेस पे मार्किंग कर लेती हूँ। करने के बाद ये सारे पॉइंट्स को मैं मिला देती हूँ। ये आर्म होल वाला जो था और वैसे का मार्किंग करेंगे तो ऊपर मेरा 8 था तो नीचे मैं 1 इंच माइनस रखूंगी। तो 7 इंचेस मैंने लिए हैं इसके वेस्ट का। इस लाइन को मैं तिरछा मिला दूंगी। अब मैं आर्म होल का शेप दूंगी। तो इसको मैं राउंड शेप गुलाई देते हुए बना लेती हूँ। अब मैं नेक की मार्किंग करूंगी। तो नेक की लेंथ मैंने 2 इंचेस ली है और विड्थ भी मैंने 2 इंचेस ही ली है। तो इसको मैं गोल बना देती हूँ, गुलाई का शेप दे देती हूँ इसको अच्छे से। इसमें ही 1 इंच माइनस करके मैं बैक का भी दे दूंगी। तो मैंने कर लिया है बैक और फ्रंट बैक दोनों का। तो ओवरऑल मार्किंग मैंने कर दी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसके बाद मैं नीचे का पार्ट बनाऊंगी, जो मेरे स्कर्ट वाला पार्ट रहेगा उसको मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ इसकी। पहले मैं बैक नेक की कटिंग करूंगी। यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाने के बाद मैं कट करूंगी। यहाँ से आर्म होल की भी कटिंग कर लेती हूँ मैं पहले। ये कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसके जो पीसेस हैं उनको अलग करके जो फ्रंट नेक था मेरा उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। फ्रंट कटिंग करने के बाद मैं बैक पे मुझे जिप लगाना है। तो इसके लिए मैं इसके पीसेस को अलग कर देती हूँ बीच में से। आप चाहे तो चेन की जगह जिप लगाने की जगह बटन पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपर पार्ट की दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक। अब मैं इसका नेक का जो है वो बनाऊंगी। मैंने बैक नेक पे लगाने के लिए पट्टी बनाई हुई है, कटिंग कट करी हुई जो स्ट्रिप है वो मेरी और एक कट करी है मैंने इसे सेम ऐसे ही जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। ये सेम तरह का इधर साइड में उरेब पट्टी लगाऊंगी क्योंकि मुझे जिप लगानी है। तो इसके लिए अगर आपको जिप नहीं लगानी तो आप बटन पट्टी भी लगा सकते हैं। फ्रंट नेक पे मैंने लगाने के लिए सेम कलर का फैब्रिक का स्ट्रेप लिया हुआ है। तो इसको भी मैं इस पर अटैच कर लूँगी। तो सारे पीसेस को मैं पहले अटैच कर लेती हूँ।
ये स्ट्रिप लगाने से पहले आपको फैब्रिक को सीधा रखना है और ये जो पट्टी है आप उसको उल्टी साइड रखें, लेकिन ये आपको सीधे साइड पे ही रख के लगानी है आपको, ये जो मैंने पट्टी बनाई हुई है इसकी। सारे पीसेस को मैं अच्छे से अटैच कर लेती हूँ पहले। ये स्टिच कर लिया मैंने, अब ये सारे थ्रेड्स को मैं कट कर देती हूँ। फिर इनमें मैं छोटे छोटे नोचेस लगाऊंगी। नोचेस लगाते समय आप ध्यान दें कि आपका जो थ्रेड है वो कटे नहीं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर दूंगी। इसे यहाँ से मैं टर्न करके अंदर को करूँगी। अगर आप चाहें तो इसे आयरन भी इस पर कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। स्टिचिंग करने से पहले मैं बैक वाले नेक पे भी छोटे छोटे नोचेस लगा देती हूँ। ये और पट्टी को मैं अंदर साइड को टर्न करूँगी, ये कुछ पाइपिंग जैसा दिखेगा तो इसको मैं पहले कर लेती हूँ। ये मैंने अटैच कर लिया है, आप इसे देख सकते हैं फ्रंट बैक दोनों पे ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से। तो बैक वाले पार्ट पे मैं जिप अटैच करूँगी, तो इस पर मैंने जो मैंने पट्टी काट के रखी थी उसे अटैच कर लेती हूँ। इस स्ट्रिप को भी मैं सीधे साइड पर ही रखूँगी फैब्रिक के, फिर ये अंदर को टर्न हो जाएगी। इसे यहाँ से मैं अंदर को टर्न करूँगी। अंदर टर्न करने के बाद इस पर मैं आयरन करके इसको अच्छे से जमा लूँगी, फिर एक इस पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस पर मैं जिप लगानी है मुझे, तो जिप को मैं इस तरह से रखूँगी, इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। जिप लगाने के लिए मैं 1 फुट का यूज़ कर रही हूँ, इससे जिप अच्छे से लग जाती है। एक साइड मैंने जिप अच्छे से अटैच कर लिया है, दूसरे साइड भी मैं ऐसे ही अटैच करूँगी, तो आइए उसको भी हम अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिप को बंद कर दूँगी, इससे आसानी से जिप लग जाएगी, तो पहले मैं इसे कर लेती हूँ। फिर इसको आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद आप लगाएं। ये अपर पार्ट पे मैंने जिप लगा दी है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ टॉप साइड पे मैं हुक और आई लगाऊंगी ताकि ये जिप ऊपर ना निकल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से रहे। मैं दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेती हूँ दोनों साइड पे।
ये ज्वाइन कर लिया मैंने। अब इसे इस एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर देती हूँ। और इसकी स्लीव के लिए मैंने अलग कलर का फैब्रिक लिया हुआ है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है ये मेरा। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें मैं गैदर्स डाल के करूँगी। और ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है स्लीव, तो इसमें कुछ इसका कुछ मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाएं। इसमें सिर्फ गैदर्स डालनी है, फिर इसको लगाना है इस तरह से। सबसे पहले हम अपर पार्ट को इस तरह से रख लेंगे सीधे साइड पे, फिर ये हमने जो गैदर्स डाल के बनाया हुआ है इस पट्टी को, हम इसके स्लीव के ऊपर ऐसे रखेंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और आधे आधा आधे पे ही हमें लगाना है, हमें पूरी पे नहीं लगानी, हमें आधे साइड हाफ हाफ करके इसको बीच में से हम लगाएंगे। इसको दोनों स्लीव पे सेम ऐसे ही लगानी है हमें, तो मैं लगा लेती हूँ पहले। ये स्लीव मैंने अटैच कर ली है, आप इसे देख सकते हैं, ये लगने के बाद ही बहुत ही प्यारी लगती है। आप भी इसे ट्राई करें। ये मैंने ऊपर का पार्ट को तैयार कर लिया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं नीचे के जो स्कर्ट वाला पार्ट है मेरा, घेर वाला जो पार्ट है, उसको मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मैं फैब्रिक को हाफ हाफ करके रखा हुआ है मैंने, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद इसका मैं विड्थ देख लेती हूँ कितनी है और लेंथ कितनी है। तो लेंथ इसकी जो है, सॉरी, इसकी विड्थ 34 है, ये जो इसकी विड्थ है 34 है, और लेंथ और इसकी लेंथ जो है वो 15 इंचेस रखी है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए इसकी, तो मैंने 15 इंचेस रखी हुई है। अब मैं इन पे जो इसका एक्स्ट्रा थ्रेड जो निकल रहा है इसमें से जो रेशे हैं इसके, इसको मैं कट करके अलग कर देती हूँ। इस पर मैं गैदर्स डालूँगी, तो इसके लिए मैंने बड़ी कच्ची सिलाई लगानी है मुझे इस पर। तो मैं पहले इस पर कच्ची सिलाई लगा देती हूँ दोनों पीसेस पे, जो मेरे दो पीसेस थे उन पर। ये बड़ी सिलाई लगाने के बाद इसमें मैं इसका एक थ्रेड पकड़ के खींचना है, और मैं इसमें गैदर्स डाल लेती हूँ। सेम ऐसे ही मैं दूसरे पीस में भी गैदर्स डालूंगी, तो दोनों पीसेस पे मैंने गैदर्स डाल दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं, गैदर्स ज़्यादा ही हैं, प्लेट्स टाइप की बन गई हैं ये। गैदर्स डालने के बाद मैं इसके दोनों साइड पर स्टिच करूँगी, सीधी सिलाई लगानी है हमने और कुछ नहीं करना है, तो मैं इस पर सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। अब मैं इसके अपर पार्ट की स्टिचिंग का माप लूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, तो मैं अपने हिसाब से जो मेरी मेज़रमेंट था उसके हिसाब से मैं रख लेती हूँ। मैंने ड्रॉ कर लिया है, निशान लगा लिए हैं इसके, अब मैं इसको स्टिच करूँगी। ये अपर पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने, आप इसे देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको मैं सीधा करूँगी, क्योंकि मुझे इसके इस चोली वाले सॉरी इस स्कर्ट वाले पार्ट के अंदर से अटैच करना है, तो इसको मैं सीधा करके फिर इसको ऐसे अंदर को अंदर इसके अंदर इन करूँगी, फिर इसके चारों तरफ स्टिच करूँगी। स्टिच करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी जो सिलाई है स्कर्ट वाली सिलाई है और जो ऊपर का जो सिलाई है, दोनों सिलाई को मिला के लगाएंगे, तो उससे आपकी इधर उधर नहीं होगा और ये अच्छे से लग जाएगी। सिलाई को सिलाई से मिला के मैं इसे लगाऊंगी, तो मैं इसको पहले लगा लेती हूँ। ये जो चुन्नटे हैं इसकी, इसको अच्छे से एडजस्ट करते
करके लगाऊंगी, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करूंगी फिर से लगाऊंगी। तो आप स्टिचिंग के टाइम पे इस बात को ध्यान रखें। घेर वाले पार्ट को अटैच करने के बाद मैं इसके जो नीचे का जो था उस पर मैं पीको करूँगी। तो मैं पहले इस पे पूरे पे ओवरऑल पीको कर लेती हूँ ताकि इसके थ्रेड ना निकले। आप चाहे तो इसको राउंड करके मोड़ भी सकते हैं। ये फ्रॉक बन गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, तो इसमें मैं एक फ्लावर बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने एक रिबन लिया हुआ है, तो इसको मैं इसकी वीडियोज़ में पहले भी बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख लें प्लीज़। तो इसको मैं पहले करके मैं फूल बना लेती हूँ। इसमें छोटी छोटी सिलाई देनी है पूरे पे, इस पूरे फैब्रिक पे। तो मैंने बना लिया है फैब्रिक पे, मैंने ये पूरी तरह से स्टिच कर दिया है, इस पे छोटे छोटे टाँके दे दिए मैंने। थ्रेड के जो थ्रेड पे एक नॉट लगानी है, नॉट लगाना भूले नहीं, तो नॉट लगा लिया मैंने। इसको मैं इस नीडल को बाहर को खींचूंगी। ये हो गया है, इसको मैं पीछे से टर्न करके यहाँ से जो इसके फैब्रिक है इसको मैं यहाँ से स्टिच कर देती हूँ नीडल से ही। तो इसको मैं अच्छे से अटैच कर लेती हूँ, पहले स्टिच कर दिया है मैंने। एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से मैं कट करके अलग रख देती हूँ। इसे फ्रॉक के मैं सेंटर पे लगाऊंगी, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी जहाँ पे भी मर्जी हो वहाँ पे आप लगाएं। इसको मैंने इसको अटैच करना है, तो इसको मैं ऊपर से अटैच करती हूँ। मैं 3-4 स्टिच करूँगी। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको मैं अपने फ्रॉक का फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन के तैयार हुई है। तो होप यू आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।